के सारे स्टूडेंट्स मुझे चेक करके बता दीजिए इफ द ऑडिबिलिटी इज ऑल गुड। चलिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ और आप लोग मुझे बता दीजिए एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी को आवाज क्लियर है दोस्तों? एक मिनट यार, आवाज क्लियर है कि नहीं दोस्तों? एक बार चेक कीजिएगा तो आप सभी को आवाज क्लियर है? नाइस। एक मिनट यार, अच्छा ब्लूटूथ मेरा हैंडसेट स्पीकर कनेक्टेड था। ओके ठीक है, चलें जी सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट लॉग इन करते जाइएगा। मेरे हिसाब से आवाज आप सभी को क्लियर है, राइट? चलिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं आज की क्लास में, जिसको हम कहते हैं दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद। मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में आज का डिस्कशन रखेंगे। आपको मेरे हिसाब से तो अच्छा मजा आएगा डिस्कशन में। एक से एक ऑपरेशंस परफॉर्म किए इसराइल के बनने के बाद से, मतलब मोसाद के बनने के बाद से, उसके कुछ वक्त के बाद इसराइल के बनने कुछ वक्त के बाद मोसाद आ गई। एक से एक ऑपरेशंस परफॉर्म किए, छोटे बड़े अगर मिलाएंगे ऑपरेशन तो कई हजारों हजार ऑपरेशन, ऐसे तो गिनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ एस्टिमेट आपको देता हूं 2700 के आसपास ऑपरेशंस। इसमें जो कुछ मेजर बड़े बड़े ऑपरेशन थे, जैसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जैसे ऑपरेशन ओपेरा, जैसे सीरिया में ऑपरेशन करना, जैसे ईरान में ऑपरेशन करना, एक से एक बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म किए। नहीं तो एक बार ना मोसाद के बारे में समझते हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में समझते हैं। मेरे हिसाब से आज का डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, चाहे किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बात कर लीजिए, छोटा सा देश है इसराइल, लेकिन इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, अगर आप यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसको आप बोलते हैं, इंडिया की RNAW इसको आप रॉ बोलते हैं, ब्रिटेन की M16 हो गया, रशिया की KGB, मतलब कहीं से भी 19-20 नहीं मिलेगा आपको, एकदम टॉप नॉच दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये सारे के सारे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सभी लोग रेडी हो जाइएगा, कुछ अलग तरह की चीज पे आज टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और अनअकैडमी के ऐप पे मैं आपको मिल जाऊंगा, और इस तरह से ये फॉलो लो कर लीजिएगा। बाय द वे दोस्तों, अभी अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, स्पेशली वो स्टूडेंट 2024-25 मतलब अगले साल प्रिपरेशन करेंगे, वो देख सकते हैं फ्लैट 50% से यू कैन सेव अप टू 50%, और बहुत सारे बैचेज 31 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, चलिए हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रहा मिडिल ईस्ट। आपको बहुत ही सिंपल सामान्य ढंग से बताऊंगा, यार पेन चाहिए लेकिन मुझे मार्क करने के लिए, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये रहा मिडिल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक देश मिलेगा, इस देश का नाम है इसराइल। यहां पे ये रहा इजिप्ट, यहां पे सीरिया, टर्की, जॉर्डन वॉर्डन, वो सब तो सब ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ना, वो यहां पर की कहानी है, इसराइल की कहानी है। जैसे मैंने आपको कहा, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है मोसाद, और कहा जाता है कि दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। सिंगल हैंडेडली ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करके रख दिया। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के साइज पर मत जाइएगा, इसराइल के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है इसराइल। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे मैंने आपको कहा, यूएस की CIA, इंडिया की RNAW, ब्रिटेन की M16, रशिया की KGB, इसराइल की मोसाद, टॉप नॉच इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की। दोस्तों इसराइल एक हार्ड वायर्ड स्टेट है, स्ट्रिक्ट थोड़ा सा आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूं, फिर हम लोग मोसाद पे आएंगे। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्ट्रिक्ट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाने वाला देश है इसराइल, क्योंकि इसराइल को एक बात पता है कि अगर एक बार मैं टेररिज्म के अगेंस्ट नेगोशिएट कर गया तो फिर तो मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, मेरे को कंटिन्यूसली नेगोशिएट करते रहना पड़ेगा। दोस्तों कहानी बहुत पहले की है, जब पूरी दुनिया में
जैसे हुआ था ना फ्रांस फ्रेंच, फ्रांस इज फॉर फ्रेंच, ब्रिटेन इज फॉर ब्रिटिशर्स, इसी तरह से बात चल रही थी। जब पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना आई थी, इसी तरह से जब दुनिया के अलग अलग जगहों पे जो थोड़ी थोड़ी तादाद में ज्यूइश पॉपुलेशन थी, उन्होंने देखा कि यार हमारे पास तो कोई देश नहीं है, और इस तरह से ये सारे के सारे जो ज्यूइश लोग थे ये मूव करना शुरू करते हैं अपने देश की तरफ, मतलब इस जगह की तरफ जो पहले पैलेस्टीन हुआ करता था और बाद में बना इसराइल। यहां से इसका मेन कारण था एंटी सिमेटिक परसिक्यूशन जो इनका हो रहा था यूरोप में, ये सबसे मेन कारण दोस्तों। हालांकि जितने भी अरब कंट्रीज थे सभी ने बोला कि सर आप क्या कर रहे हो ऐसा। यहां पे एक हल्का ओवरव्यू आपको देता हूं, ये तो पैलेस्टीन है ये रीजन, ये अरब कंट्रीज ने बोला आप यहां पे कैसे ज्यूश लोगों को एस्टैब्लिश करवा रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों पूरी दुनिया से जब यहूदियों का मूवमेंट शुरू हुआ इस रीजन की तरफ, हुआ क्या था दोस्तों, इसकी बहुत सारी घटना हुई, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूं ताकि मुसाद पे और मुसाद पे बात कर सको। 1917 इस वक्त में अरब प्रोटेस्ट चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू हुआ, इसके बाद ठीक आप देखोगे तो एक डिक्लेरेशन होता है, इसका नाम था बेलफोर डिक्लेरेशन। इस बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद डिसाइड ये किया गया, यूनाइटेड किंगडम ने बोला हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि एक ज्यूइश स्टेट बनेगा इस फिलिस्तीन में। और इसके बाद इस बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था, और इसके बाद बात बढ़ती गई फास्ट फॉरवर्ड करके अगर मैं 1947 पे आता हूँ तो 1947 में फिर यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हाँ हम लोग अप्रूव करते हैं कि जहां पे फिलिस्तीन था यहाँ पे दो स्टेट्स बनेंगे, एक फिलिस्तीन और एक ज्यूइश लोगों का स्टेट, मतलब एक अरब स्टेट बनेगा और एक ज्यूइश लोगों का स्टेट बनेगा। ग्रेट, देखते देखते 1948 में एक देश बनता है, इस देश का नाम था इसराइल। इसराइल डिक्लेयर करता इंडिपेंडेंस, इसराइल डिक्लेयर करता इंडिपेंडेंस, और एक देश तो बनता है ज्यूइश लोगों का। इसके अलावा सीरीज ऑफ वायलेंस एंड सीरीज ऑफ अरब कंट्रीज के साथ इनके लड़ाइयां शुरू होती है इसराइल की। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूं ताकि मुसाद तक पहुंच सकूं। मेनली आपने देखा होगा तो 5 अरब कंट्रीज एक साथ हमला करती हैं और यहां से शुरू होता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। ये 5 कंट्रीज कौन कौन थी दोस्तों, मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया था, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ इसराइल के ये आता है इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनन, सीरिया और इराक। फिर से बोल देता हूं, देखते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, तभी आपको ना कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि मैं बोल तो काफी सारी चीजें दूंगा, सुनते जाइएगा। सबसे पहला अरब इजरायली वॉर शुरू होता है, इस तरह से सीरीज ऑफ वॉर्स चलते हैं। मैंने सबसे पहला नाम लिया आपके सामने इजिप्ट, लेबनन, जॉर्डन, सीरिया, इराक। और दोस्तों इस तरह से, तो एक आपको अरब इजरायली वॉर बोला, लिखिएगा जरा 4 अलग अलग ईयर्स, मुख्यतः ऐसे इसराइल के ऊपर आसपास के देशों के हमले, इनके लड़ाइयां, अरब कंट्रीज और इसराइल की लड़ाइयां चलती ही रहती, पिछले 70 साल में बहुत हुआ। जो मुख्यता है वह 1956, 1967, 1973, 1982। 1956 लिखते जाइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे, मैं बोल तो काफी सारी चीजें दूंगा, सिंपल सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, और अगर आपको ठीक लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर फ्यूचर में हम लोग इंडिया की RNAW, IB और ये CIA इनके बारे में, M16 इसका सभी के बारे में, KGP इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे फिर, ठीक है। खैर, तो अरब इजरायली वॉर जो 4 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली डिस्कस की जाती वॉर अरब और अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में, वो है 1956 की वॉर, 1967, 1973 एंड 1982 की वॉर, राइट। जैसे ही इसराइल एक देश बना और अब कंट्रीज बोले यार यहां तो पैलेस्टीन था, लेकिन इसी वक्त पे दोस्तों बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया आपको, बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत सारे वायलेंट नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक शब्द लिख सकते हैं आप, वायलेंट नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस बने पैलेस्टीन के अंदर, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको खदेड़ के निकालेंगे। अरे मानोगे कैसे नहीं, हम यहां से आपको भगा देंगे। और यहां से दोस्तों बहुत सारे ये पैलेस्टीनियन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने शुरू किया गुरिल्ला युद्ध, इनके बीच में शुरू कहने, इनके बीच में और इसराइल के बीच में हुए बहुत सारे गुरिल्ला युद्ध, राइट, गुरिल्ला वॉर्स जो हुए यहाँ पे। इसराइल ने बोला कि देखिए सर, हमारा एक सीधा सा फंडा है, हम चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हमको जिस दुनिया के देश को हमको जैसा क्रिटिसाइज करना कर लो, लेकिन हम हार्ड वायर्ड स्टांस रखेंगे हमारा टू काउंटर टेररिज्म। इसका रीजन है
कि हमारा एक सिंपल सा फंडा, अगर एक बार मान गए जो भी हमारे अगेंस्ट में बात हो रही है, हम एक बार कॉम्प्रोमाइज करने लग गए तो हमको हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज करते रहना पड़ेगा। इसराइल ने इसलिए क्रिएट किया, दुनिया की वन ऑफ द, इफ नॉट द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इंटेलिजेंस, और मैं आपको जो ऑपरेशंस बताऊंगा आप सुनिएगा, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम पड़ा मोसाद। और उन्होंने बोला कि यार अगर हम लोग अपना इस तरह का रिस्पॉन्स हार्ड वायर नहीं रखेंगे ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी में हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, आप देखिएगा वो अटैक्स बढ़ते चले जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों 1972 म्यूनिक में, जर्मनी में इसके पहले ओलंपिक हुआ था 1936 में, फिर हुआ ओलंपिक 1972 में। एक और व्यू देखे चल रहा हूं, फिर इसके अंदर चलूंगा थोड़ी देर के बाद। तो इसमें इसराइल के 11 ओलंपियंस को मार दिया गया था, जान से मार दिया गया था। और इसके बाद इजराइल ने बोला, मुसाद ने बोला, जहां छुप सकते छुपो पूरी दुनिया में, हम तुमको वहीं से निकाल के मारेंगे। और ये था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, थोड़ी देर के बाद बात करता हूं इसको। इसलिए दोस्तों इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इसके लिए कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी दुनिया की। कारण, क्योंकि इन्होंने, इनका काम करने का तरीका एकदम अलग, एक्सट्रीम डेडिकेशन के साथ काम करते, एब्सोल्यूट पिन पॉइंट मेटिकुलसनेस एंड प्रिसिशन के साथ काम करते हैं। इनका सीधा सीधा साधा फंडा ये होता है, कहां दुश्मन है ढूंढो और वहीं पर उसको ठोक दो या उसको लेके आओ और फिर उसके ऊपर केस चलाओ। एग्जाम्पल आपको मैं दूं क्या, एग्जाम्पल देते हैं। जिस व्यक्ति की फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखा रहा हूं, इन व्यक्ति का नाम है एडोल्फ इकमैन। तस्वीर पीछे देखिएगा, एडोल्फ इकमैन, ये रहे एडोल्फ इकमैन साहब। ये घटना है मई 1960 की घटना है। मोसाद ने इनके ऊपर आरोप था, ये वन ऑफ द नाजी वॉर क्रिमिनल कंसिडर किए जाते थे। तो ये साहब जो थे ये अर्जेंटीना में थे, मोसाद अर्जेंटीना पहुंची, उठा के लेके आए इनको और इनके ऊपर बकायदा ट्रायल चला इसराइल में। इसलिए मैं आपको बोला इसराइल ये जिस चीज बिलीव करते हुए, किल एंड फ्ली, ठोको और जाओ, बस खत्म, ठा गायब, उसके बाद गायब हो जाओ, उस पर अपने को कुछ और उसके बाद बिलीव, और किसी चीज पर बिलीव नहीं करते। इसलिए दुनिया में कई बार इसराइल के लिए शब्द का प्रयोग, इसराइल कहता हूं सॉरी, मोसाद के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है कि मोसाद इज अ किलिंग मशीन। और वो इसराइल भी चाहता है और मोसाद भी चाहता है कि सामने वाले के अंदर इस नाम का डर रहना चाहिए। तो दोस्तों यहां तक की कहानी जो मैंने आपसे आपको शेयर किया वो ये था, 1948 में जब इसराइल बना एक यहूदियों का देश जो स्टेट के रूप में, तो आसपास तो अरब कंट्रीज हैं, तो इनके साथ इनकी अनबन स्वाभाविक थी जो कि होना था। और इस तरह से 1956, 1967, 1973, 1982 इस तरह से धनाधन लाइन से वॉर हुए। इन वॉर्स में आपने देखा होगा ये वॉर, आप ज्यादातर केसेस में जो वॉर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म वॉर थे। इसराइल एक छोटी आबादी का देश है, इसलिए इसराइल अपने इंटेलिजेंस, मैंने आपको एक पहले भी इस वर्ड को बोला है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस। कभी आपको फ्यूचर में हो सके तो आपको अफगानिस्तान का मैं कहानी सुनाऊंगा पूरी, क्योंकि कई बार, क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो बहुत दिनों से वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब में कि यार इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन इतना अच्छा कैसे है। या अभी आपने देखा होगा तो इरफान खान साहब डांस किए उनके साथ, राशिद खान साहब के साथ, तो कई लोगों ने बोला कि ये मजा आ गया देख के, और पाकिस्तान में कई लोग भड़क गए। तो उसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है कि हमारा और अफगानिस्तान का रिलेशन इतना अच्छा क्यों, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रीज़न। अफगानिस्तान में जिनके आप बात करें वो पश्तूनस हैं, और पश्तून को आप देखेंगे अगर आप हायरार्की पीछे लेके जाएंगे तो आप देखेंगे उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो बहुत ज़्यादा कल्चरल लेवल पे भी बुद्धिज्म और हिंदुज्म से रिलेटेड है। और कभी भी, जस्ट एक बात आई इसलिए बात से बात बता रहा हूं, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन जो है उसका कारण है, ये अपने आप नहीं बना है, इसको सोशल फैब्रिक बोलते दोस्तों। एक जमाना था 1850 के आसपास की बात है, यूएसएसआर तो अफगानिस्तान में एंटर नहीं करना चाहता था, लेकिन यूएसएसआर क्या हुआ उसके पहले की बात है, यूके से उसकी लड़ाई हुई थी, और जब यूके से लड़ाई हुई तो दे धपा दप यूके ने धोया यूएसएसआर को उस जमाने के, मतलब तब तो यूएसएसआर बना भी नहीं था, तो जब इसको फोड़ा उसने, तब उन्होंने देखा कि यार रिट्रोस्पेक्टिवली सोचा हमको इतना क्यों फोड़ा।
तो उनको रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके बैठा है यूके। तो जब ये ब्रिटेन के लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके रखे तो हमको भी करना है, और कैसे करें? तो हमारा उत्तरी उत्तरी हिस्सा तो पूरा बर्फ से भरा हुआ है, कहाँ से लाएंगे खनिज हथियार, कहाँ से लाएंगे रॉ मटेरियल्स? नीचे तो नीचे कौन है? अफगानिस्तान है, यहां से लेके आएंगे। तो ना उस जमाने में जब भारत को गुलाम बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो वाला भारत जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब आता है, तो इमीडिएट नेबर कौन हुआ? अफगानिस्तान। तो बाद में जब यूके को ये समझ में आया कि यार यहां से लोग कभी भी इधर आ सकते हैं, तब ब्रिटेन गया अफगानिस्तान की तरफ। इतना मार मारा वहां पे पश्तूनों ने, मतलब अफगानियों ने ब्रिटेन को, झापड़ झापड़ भाग यहां से, तो धपा धप एकदम उठा के पटक दिया था। तो वहां से उल्टा भागे लोग। लेकिन सर फिर उसके बाद तो जो वियतनाम का युद्ध आप सुनते हो ना, जिस इसको इससे कनेक्ट करके बता रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा इस टॉपिक पे, घबराना मत। जिस वियतनाम के युद्ध को आप सुनते हो कि यूएस को मार मार के भगाया वियतनाम वालों ने, वो वियतनाम तो फ्रंट फेस पे लड़ रहा था, वियतनाम के लोगों को जो सपोर्ट था वो यूएसएसआर का था। तो यूएस भी खार खाया बैठा था कि बेटा आओ तुम लोग यहां से, ये जितने भी यूएसएसआर के लोग अफगानिस्तान में, तुमको हम लोग बताएंगे। और यहां से फिर तालिबान को बनाया गया। ये अपने आप नहीं हुई थी दोस्तों, घटना बहुत धीरे 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 करके हुई थी। और वो जो ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिशर्स ने खींचा था, वो इसीलिए खींचा था कि अगर यहां से सोवियत रूस पहुंच भी जाता अफगानिस्तान, तो ये रहा बॉर्डर। वही ड्यूरेंट लाइन आज के टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो टेंशन है, क्यों? क्योंकि जो उनका जो पश्तून आबादी है, वो बहुत बड़ी आबादी आपको खैबर पख्तून में और बलूच में मिलेगी। और इसलिए आप देखेंगे तो अफगानिस्तान बलूच का रीजन जो है, खैबर का रीजन जो है, उसका ना आप देखेंगे तो इंडिया बहुत अच्छा रिलेशन है। खैर मैं टॉपिक से बाहर चला गया, जस्ट आपको बोलने के लिए बताया, लेकिन अपन कभी और बात करेंगे। इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक को फ्यूचर में कभी, ठीक है? वापिस आइए। तो अभी तक मैं आपको यही बता रहा था ये इजरायली वॉर के बारे में। और जैसे म्यूनिक मैसेकर हुआ, तो इन्होंने ऑपरेशन रथ ऑफ गॉड चलाया, ऑपरेशन इन्होंने थंडरबोल्ट चलाया। जब इनका जो जहाज हाईजैक हो गया था, तब इन्होंने बोला रुक जाओ बेटा बताते तुमको। तो ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आते हैं इस टॉपिक पे, घबराना मत, इस टॉपिक को बनाएंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, राइट? और किस तरह से अपने यहाँ के लोगों को इन्होंने अपने अपने लोग जो फ्लाइट में एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट में जो चल थे, उनको वहां से आजाद कराया था, जिस एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया था। खैर सबसे पहली बात दोस्तों, मोसाद के बारे में, जो मोसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जिसने प्रपोजल दिया था, उनका नाम था र्यूबिन। ये साहब जो है, इनका नाम है मिस्टर र्यूबिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा र्यूबिन साहब। और जब इसराइल के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, देखिए डेविड बेन ग्यूरियन, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, 100% श्योर। इसराइल में सबसे अधिक नाम आपने इसराइल की, एक तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उनका नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि इसराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, राइट? तो डेविड बेन ग्यूरियन साहब का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जब डेविड बेन ग्यूरियन साहब, जो इजराइल के शुरुआत के दिनों के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे र्यूबिन साहब ने इनको सजेस्ट किया कि सर अपन एक काम करते हैं, एक जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी बनाते हैं, और इस इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रहेगा मोसाद। और इस टाइम पे र्यूबिन साहब के टाइम पे और मिस्टर इशेर हरेल, इस टाइम पे मोसाद बहुत तेजी से ग्रो किया था। हालांकि आपको जस्ट एक बताने के लिए बताया था, जब मोसाद बनी तो मोसाद का नाम, इसका नाम मोसाद नहीं था, इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन। और बाद में 1951 में, आई थिंक 1951 में जाके फिर इसका नाम चेंज हुआ और पड़ा मोसाद। लेकिन हालांकि ठीक है, चलो आप कुछ भी बोल दो, मोसाद बोल दो, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन, जो बोलना है बोल दो, लेकिन ऐसा रातों रात तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं होगा। हाँ, इसके पीछे भी घटना है। देखो अगर आप मुझको बैक ट्रैक करने दो तो आपको एक बात आता हूं, ये जो यहूदियों के खिलाफ जो आंदोलन चलना शुरू हुआ था, अपने पीक पे था जब एडोल्फ हिटलर का टाइम था, राइट? मतलब 1930-1940 के दौर में अपने पीक पे था कि एंटी ज्यूइश जितने भी प्रॉब्लम्स है यूरोप में, इसके लिए ज्यूइश लोग रिस्पॉन्सिबल। मैं नहीं बोल रहा ना, उस टाइम की विचारधारा बता रहा हूं, हिटलर के टाइम की। अब उस तरह उस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, उस वक्त पे जब इसराइल बना नहीं था, इस विचारधारा के अगेंस्ट एक ग्रुप बन रहा था, एक मिलिट्री ग्रुप तैयार हुआ था, उसका नाम था हगना, HAGANAH, ये नाम था उसका। एंड इसके लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी, उसका नाम था शाई, SHAI, शाई। और इसी शाई से निकल के आया बाद में मोसाद, क्योंकि यार जब कोई देश 1948 में बना है, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे तैयार हो गई? तो शाई में बहुत सारे जो शाई जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी ये वाली इनकी इसराइलियों की, इसमें जो ऑफिसर्स काम करते थे, इनको डायरेक्टली फिर मोसाद में लिया गया, और इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना मोसाद।
अब इसको ये लोग क्या पढ़ कैसे पढ़ते हैं इसराइली में मुझे नहीं पता, इनकी कुछ लोकल लैंग्वेज में होगा, लेकिन अपन लोग इंग्लिश में तो अपन ऐसे बोलेंगे मोसाद। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको कहानी में यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आज के टाइम पे एक बात आई है सर इसराइल में, दोस्तों ये सारी घटना भी क्यों मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजों के बावजूद इसराइल में इतनी बड़ी घटना हुई, ये सोचने की बात है। मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूं तब आपको ना ये फील होगा कि इसराइल कैसे बोलना चाहिए इंफॉर्मेशन में कितना आगे है। तो मैं आपको दो चार ऑपरेशन भी बताता हूं, आपको फील होगा और एक आइडिया लगा आपको यहां तक थोड़ा, राइट। इसराइल में आज के टाइम पे सिर्फ मोसाद की बात नहीं दोस्तों, आप लिखिएगा तीन नाम लिखिएगा, अमन ए एम ए एन, अमन एम एन जो भी पढ़ते होंगे लोग, ए एम ए एन सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा आपने सुना होगा शिनबेत, आपने सुना है इसका नाम भी सुना है शिनबेत, एस एच आई एन शिनबेत, और तीसरे में आता है मोसाद। आज के टाइम पे तीन इंटेलिजेंस एजेंसी जो इसराइल में काम करती है, एमएन या अमन जो भी बोलना बोल लो, शिनबेत और तीसरा मोसाद, तीनों का नाम लिखते चलेगा। ऑब्जेक्टिव सिंगल हैंडेड ऑब्जेक्टिव मोसाद का ये है कि भाई काउंटर करना अपने को टेररिज्म, सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना है, इंटेलिजेंस गैदर करना है, और उसके बाद जो भी हमारे दुश्मन है, हमारे लोगों के दुश्मन है, हमारे बॉर्डर के दुश्मन है, उनको सिर्फ डराना नहीं, उनको दौड़ा दौड़ा के फोड़ना है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये मोसाद को सीधा मैंडेट दिया था, सरल भाषा बता रहा हूं आपको। सर ये मोसाद के पास अगर आप देखेंगे तो कितना इनका एनुअल बजट होगा, कितना है, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि $3 बिलियन का बजट है, मतलब 2.8-2.7 बिलियन, रफली $3 बिलियन, रफली $3 बिलियन के आसपास का इनका बजट है। और आज के टाइम पे कहा जाता है कि 7,000 से ज्यादा इनका वर्कफोर्स है मोसाद का। मोसाद में बहुत सारे लेयर्स है काम, जिसमें लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। मोसाद के लोगों को ट्रेन ही ऐसा किया जाता है कि अपना एडवर्स, देखिए दोस्तों क्योंकि इसराइल का एक सीधा सा फंड है, इसराइल में अगर इसराइल के लोगों के डीएनए में जिस दिन विजिलेंस खत्म हो गया, इसराइल खत्म हो जाएगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूं, तो इसराइल के डीएनए में उनको पता है कि अगर उनको जिंदा रहना है तो उनके अंदर उनके डीएनए लेवल तक के एक चीज होनी चाहिए, वो विजिलेंस। सीधी सी बात, विजिलेंस जागरूक तो रहना है उनको, राइट। और इसीलिए आप देखेंगे तो इनको जो मिलिट्री ट्रेनिंग जो मस्ट है वो इसलिए मस्ट है कि 2 साल आपको फ्रंटलाइन में सपोर्ट करके आना है, राइट। खैर वापिस आते हैं इसमें, तो इनको बताया जाता है कि भाई एक्सट्रीम एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में आपको किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, राइट। मेरे हिसाब से आपको यहां तक के सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटे बड़े ऑपरेशंस अगर देखेंगे तो इसकी तो कोई गिनती नहीं है, कहा जाता है कि 3,000 के आसपास, 2.5 से 3,000 के आसपास इन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एक से बढ़ के एक ऑपरेशंस। कुछ अगर ऑपरेशंस का अगर मैं जिक्र करूं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में बोला, ये तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कहानी क्या है बेसिकली यार, इसमें कहानी एक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंटबे जो आपका एंटबे जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे वैसे मैंने टाइमलाइन लगा दिया है। तो क्या हुआ था, एयर फ्रांस जो फ्रांस की एयरक्राफ्ट थी, ये देखिएगा 1976 टाइम हम छोड़िए, फ्रांस का एयरक्राफ्ट 139 उड़ के जा रहा था तल अवीव में, मतलब इसराइल में हॉल्ट करते हुए जा रहा था पेरिस की तरफ। अब हुआ क्या, इसको लोगों ने हाईजैक कर लिया। अब इसको जब हाईजैक किया तो उसमें बहुत सारे सिविलियन और बहुत सारे अलग डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट थी। इसको जो हाईजैक किया, ये घटना थी 26 जून 1976 की, और पैलेस्टीन के पॉपुलर फ्रंट लिबरेशन, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, इन्होंने बोला कि हाँ हम ही लोगों ने किया है, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग लेके गए एयरक्राफ्ट को, उड़ा के लेके गए दोस्तों। अब इस एयरक्राफ्ट को उड़ा के लेके गए और पहुंचे युगांडा। अगर आप जानते हो कि दोस्तों, तो उस टाइम पे युगांडा के जो राष्ट्रपति थे वो थे इदी अमीन साहब, राइट। सो इदी अमीन जो थे, उन्होंने एक समय ऐसा आ गया कि ये रही एयरक्राफ्ट, यहाँ पे युगांडा की फौज घेर के रखी चारों तरफ से। हालांकि इसमें जो नहीं लिखा है, एक पॉइंट आपको बोल देता हूं, इस टाइम पे कीनिया ने इंटेलिजेंस शेयर किया था इसराइल को, वो पॉइंट इसमें नहीं लिखा, कुछ इस बताने के लिए बताता हूं बाद में। इसलिए इदी अमीन ने बोला हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता, इन्होंने इसराइल ने इतना बड़ा ऑपरेशन चला दिया, ऐसा पॉसिबल कैसे। और जब बाद में पता चला था युगांडा को कि केनिया ने ऑपरेशन चलाया है, तो युगांडा में जितने भी केनियंस थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। खैर वो पॉइंट यहां पर नहीं लिखा, इस लाभ को मैं ऐसे टच बेस कर दिया, बाकी आप ढूंढ लेना। खैर जो भी है, तो यहां पर फिर उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो इसराइल तो बेसिकली इनका डिमांड ये था, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, एक
देखिए इनको वैसे बोला जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम वेस्ट तो बोलता है, इसलिए मैं बस इस बात को बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई हमारे बहुत सारे बंधु हैं, यहाँ पे नंबर कुछ लिखा हुआ है, कुछ कितने कुछ नंबर ऑफ लोग हैं फिलिस्तीन की जो जो इसराइल की जेलों में, उनको रिहा करो। इसराइल बोला भाई मैं जीरो टॉलरेंस पे काम करता हूँ, मैं तो ये सब सुनता भी नहीं, ये एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा का ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे शुरू किया इन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट, यहाँ पे इनके कमांडोज पहुंचे इसराइल के, और सीधा के सीधा सारे के सारे इसराइली सिटीजन को यहाँ से आजाद करके फ्री करके लेके गए थे। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। वैसे अगर आपने सुना होगा बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई साहब का नाम जोनाथन नेतन्याहू, आप ढूंढिएगा कहाँ पे इस कहानी में आप कहाँ पे ढूंढ पाए ऑपरेशन मिस्टर जोनाथन नेतन्याहू को, आप ढूंढिएगा। तो ये इस तरह से इसराइल के एक फौज ने, मतलब इन्होंने सारे के सारे इसराइल के नागरिकों को आज़ाद कर लिया था। एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जो हुआ था दोस्तों, ये घटना है 1972 की, इस ऑपरेशन का, जब ओलंपिक का खेल हो रहा था जर्मनी में दोस्तों, इस एक ऑपरेशन शुरू किया था इसराइल ने, इसका नाम था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। अरे अचानक कैसे 1972 के पहले जर्मनी में 1976 में ओलंपिक हुआ था, जब 1972 में जर्मनी में ओलंपिक हुआ, याद कीजिए दोस्तों जर्मनी का रीयूनिफिकेशन 1989 में हुआ है, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन 89 में हुआ, राइट। अच्छा अब हुआ क्या था दोस्तों, इस टाइम पे जब ये 72 में ओलंपिक हो रहा था, म्यूनिक में ओलंपिक हो रहा था, इस टाइम पे एक अटैक होता है, इसको आप म्यूनिक मैसेकर, म्यूनिक में कत्लेआम जो बोलते हैं आप, इस कत्लेआम में हुआ ये था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिया था, PLO ने लिया था, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फतह, तो इसके लिए इन दो को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, PLO एंड फतह को, राइट। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें इसराइल के ओलंपियंस को जान से मार दिया गया था, और ये कहलाता है म्यूनिक मैसेकर। और इसके बाद इसराइल ने शुरू किया था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, और जब ये ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू हुआ, 20 साल लगे इसराइल को, लेकिन 20 साल तक जितने भी लोग इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। देखिए दोस्तों इस कहानी को थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुआ था, इसके बाद ओलंपिक हो रहा था 1972 में, और इस तरह से जब मतलब बड़ी बात थी जर्मनी के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, जर्मनी वापस से फ्लरिश कर रहा है, इन्होंने बोला गेम्स ऑफ पीस एंड जॉय है भाई, ये तो जर्मनी में इस बार तो कुछ माहौल खराब अपन नहीं होने देंगे। होता क्या है दोस्तों, जो ओलंपिक विलेज जैसे बनता ना, वहां पे 5 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट पहुंचते हैं, 6.5 फुट की दीवार होती है, उसको फांद के ट्रैक सूट में पहुंचते हैं, और किट बैग उट बैग लेके पहुंचते हैं, उसमें सारे के सारे हथियार रहते हैं। हालांकि उस टाइम पे बहुत सारे एथलीट देखते हैं, लेकिन देखते हैं अरे ट्रैक सूट में लड़के तो कुछ एथलीट्स ही होंगे। तो इस तरह से ये 5 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो रहते हैं, ये रहते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से, उसका नाम था ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप। इस ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप के ये लड़के थे, ये लोग पहुंचते हैं, एंटर करते हैं इस ओलंपिक विलेज में। जैसे ये लोग एंटर करते हैं, इस ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप के जो लड़के हैं, ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप जस्ट आपको बताने के लिए बताता हूँ, इसका एफिलिएशन है PLO से, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसका एफिलिएशन है, राइट। इस तरह से हथियार लेके लोग पहुंचते हैं। अब होता है ये दोस्तों, इस टाइम पे कुछ एथलीट्स रेफरीज जो लोग रिटेलिएट करते हैं उनको वहीं पे जान से मार दिया जाता है, और इसके अलावा कुछ लोगों को इस तरह से बंदी बना लिया जाता है। तो जब बंदी बनाते हैं तो इनका कहना ये होता है कि भाई ऐसा है, इनका कहना ये होता है कि भाई ऐसा है, 234 अरब के जो प्रिजनर्स हैं जो आपके यहाँ पे हैं उनको छोड़ो, और सुनो भाई जर्मनी से हमको एक सेफ पैसेज दो जाने के लिए, उसके बिना तो अपन जा नहीं रहे। इसराइल बोलता है कि भाई देखो ऐसा, अच्छा ये इसराइल के एथलीट थे जिनको बंदी बना के रखे। इसराइल बोलता है देखो यार हमारा काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, और आप शायद इसराइल के उस जमाने के प्रधानमंत्री साहिबा का नाम जानते होंगे, इनका नाम था गोल्डा मेयर जी, ये सब समझते नहीं थे। उन्होंने बोला कि ये सब मेरे को कॉम्प्रोमाइज तो मैं जानती भी नहीं हूँ। जर्मनी को बोला सुनो जर्मनी, हमको आप स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इजाज़त दो, हम एंटर करेंगे, और देखो हम सारे अपने एथलीटों को छुड़ा के लाएंगे और इनको यहीं पर ठोक देंगे। तो गोल्डा मेयर साहब ने बोला हमारे एथलीट्स को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी हमारी है। जर्मनी ने बोला प्लीज ऐसा मत करो, यहाँ पे तो बिल्कुल कत्लेआम हो जाएगा इस ओलंपिक विलेज में, बहुत ही हाई तौबा हो जाएगी इस विलेज में, ऐसा प्लीज ऐसा मत करो। बाद में ये पूरे मैं आपको थोड़ा सा बुलेटेड पॉइंट बता रहा हूँ ऑफकोर्स, राइट। ये करते करते काफी वक्त हो जाता है, इनको भी समझ में आता है, इनको मतलब जो
जो टेररिस्ट रहते हैं जो एंटर करते हैं उनको समझ में आता कि इसराइल शायद नहीं छोड़ेगा। तो फिर एक बोलते एक काम करते हैं, हम लोग को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करो। दोस्तों उस वक्त पे जर्मनी ने ये कैलकुलेट करता है कि चल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इनके 5 टेररिस्ट हैं, तो 5 नहीं वो 8 निकल जाते हैं, तो जर्मनी जो शार्प शूटर डिप्लॉय किया होता है वो नंबर ऑफ शार्प शूटर कम हो जाते हैं, यहां से ठा ठा गोली मारते शार्प शूटर्स, तो उसमें से कुछ कुछ टेररिस्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं और कुछ जो बचते हैं वो सारे के सारे ओलंपियंस को जान से मार देते हैं। तो एक बार तो ये लगा था कि शायद सारे के सारे ओलंपियंस बच गए, लेकिन सारे के सारे ओलंपियंस को मार देते हैं। और इसके बाद इसराइल बोलता है अब जीरो टॉलरेंस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। तो जो गोल्डा मेयर साहिबा है जो उस जमाने में इसराइल की प्रधानमंत्री होती हैं, वो मिलती हैं सारे के सारे हेड से, अलग 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 डिपार्टमेंट के मोसाद उसाद सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल सबसे मिलती हैं और बोलते हैं सुनो भाई सारे के सारे लोग इधर आओ और अब यहां से बताओ प्लानिंग प्लूनिंग बताओ कैसे कितने लोग हैं जो इसमें ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, मतलब जो टेररिस्ट लोग साइड से। तो उस हिसाब लगता है तो 35 लोग निकल के आते हैं। तो ये ऑपरेशन रथ ऑफ गॉड अगले 20 साल तक चलाया जाता है इन 35 टारगेट्स के लिए, 20 साल तक। दोस्तों बोलते हैं कि जब हमारे ओलंपियंस को ये लोग मार के गए तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और ये जो 35 टारगेट्स हैं इनको दुनिया के अलग अलग जगहों पर ढूंढा जाता है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ढूंढा जाता है। और इन सभी को कोई ऐसा बंदा रहता है जो फ्रांस में छुपा हुआ है, कोई दुनिया के अलग कोने में छुपा हुआ है, कोई तीसरे कोने में छुपा हुआ है। इस बीच में इस ऑपरेशन का जो बाकी हिस्सा है इसराइल के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम था एहुद बराक साहब जो है वो इंचार्ज होते हैं बीच में। और ऐसे बहुत सारे PLO के लीडर्स हो गए, कोई व्यक्ति फ्रांस में छुपा अपने फैमिली के साथ रहा, कोई दुनिया किसी और कोने पे। तो ढूंढते 72 से ऑपरेशन चल रहा होता है। आखिरी जो 35th आदमी था जिसका नाम था आतिफ, क्या नाम था उसका, आतिफ बेसिसो, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ATF आतिफ या ATF क्या बोलेंगे, ATEF अब जो भी बोलेंगे, एटेफ बेसिसो, BSEISO अब जो भी पढ़ लो उसको, तो वो आखिरी बंदा होता है। 1992 की बात कर रहा हूं दोस्तों, जैसे ही पता, ये वो व्यक्ति होता है जो PLO की इंटेलिजेंस टीम का व्यक्ति होता है, आखिरी टारगेट रहता है 35वां टारगेट। जैसे इनको खत्म करते हैं 35 के 35 टारगेट हो जाते हैं खत्म, नल एंड वॉइड। 20 साल लगते हैं लेकिन 20 के 20 साल इसराइल जो है मुसाद जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आप सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा यार ये बार बार ईरान के बारे में क्यों बोलते हैं लोग, मैं समझ नहीं पाता। तो दोस्तों US और कम से कम इसराइल, कम से कम ये दो देश तो ये बात मानते हैं कि देखो यार बात यह है कि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा ना, तो हो सकता है जान के या जैसे भी करके दो लोगों को तो वो सप्लाई करेगा ही, और वो है हजबोला और हमास, तो इनको वो सप्लाई करेगा। तो कम से कम इसराइल और यूएस तो इस बात को मानते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्यों दिखाया, क्योंकि आज भी दुनिया का 30% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरता है। तो कम से कम ये दो देश जो है US और इसराइल ये मानते हैं कि अगर ईरान बनाता है न्यूक्लियर हथियार तो सबसे पहली बात तो इस एरिया को डोमिनेट कर जाएगा, और जैसे ही वो डोमिनेट करेगा दुनिया में तेल की कीमत एस्केलेट कर जाएगी, सीधी सी बात है। ईरान का खुद का कहना यह कि भाई जिस दिन मैं न्यूक्लियर हथियार बनाया ना बाबू, याद रखना तुमको, मतलब इसराइल को नक्शे से वो हटा दूंगा मैं, तो ये इन कंट्रीज का मानना ही है। दूसरी बात, ये जो कंफ्लिक्ट है स्ट्रेट ऑफ हरमूज का, देखो सऊदी और ईरान की शिया सुन्नी की जो अपनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे डोमिनेंस किसका है, सऊदी का या ईरान का, ये एक और लड़ाई है, राइट? आपको समझ में आ गया, ये दोनों लड़ाई है। और यही कारण है कि ईरान अपनी तरफ से जान झोंक देता है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को न्यूक्लियर हथियार तो बनाना है। एक स्पेशल व्यक्ति है दोस्तों, एक स्पेशल व्यक्ति ईरान के, इनके लिए कहा जाता था ये है फादर ऑफ ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, चीफ ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो बोलने बोल दीजिए, ऑफ कोर्स ये विकिपीडिया का आर्टिकल है, अब चीफ ऑफ न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो बोलना बोल सकते हैं ये रहे मोहसिन फखरीजादे। सो मोहसिन फखरीजादे साहब की तस्वीर यहां पर ये रही, राइट? दोस्तों आप याद कीजिए, अभी कुछ वक्त पहले दुनिया में कोविड चला था, राइट? कितना अनफॉर्चुनेट टाइम था, कितना एकदम बेकार सा टाइम था, हम सब लोग घर में लॉक थे। 2018 पे आपको लेके चलता हूं, 2018 में इसराइल के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब, ये रहे।
बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिए थे और उन्होंने बोला था कि देखो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और यहाँ पे मोहसिन फखरीजादे जो हैं वही हैं उस प्रोग्राम के इंचार्ज, रिमेम्बर दैट नेम, जैसे वो नहीं बोले थे क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पे, ये क्या नाम है उनका, यान बिशप नहीं बोलते, रिमेम्बर द नेम, वो बेस्ट क्या नाम उस व्यक्ति के लिए, एक बढ़िया प्लेयर था वेस्ट इंडीज का ना उनके लिए, तो वैसे ही उन्होंने बोला रिमेम्बर दैट नेम फखरीजादे। तो इन्होंने बोला कि ईरान का जो सीक्रेट न्यूक्लियर आर्म्स प्रोग्राम है अमाद जिसको बोलते हैं AMAD उस पे ईरान काम कर रहा है जी, और ये जो मोहसिन फखरीजादे हैं ये हैं ट्रू सेंस में फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, और यूएस के साथ बैठ के दुनिया को बताया, मतलब यूएस को दुनिया को बताया कि सर ये देखिए अगर ईरान ने ये बनाया तो मैं आपको दो पॉइंट्स बताया। सबसे पहली बात ईरान का कह रहा है ये इसराइल का तो मैं नक्शे से हटा दूंगा और ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज, तो आप सोच लीजिए सर आप यकीन नहीं करेंगे जो फखरीजादे हैं इनका असैसिनेशन किस तरह से प्लान किया गया 27th of November 2020 जब पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था, पूरी दुनिया घर में लॉकडाउन में बैठी थी, तब फखरीजादे का असैसिनेशन प्लान किया जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ थे दोस्तों उस टाइम, जिनको आप फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत सारे नाम बोलते हैं ना, आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ऑफकोर्स विकिपीडिया से मैंने इस आर्टिकल को लिया है। जिस तरह से इन्होंने प्लान किया तो ये तो व्यक्ति, ये साहब तो ईरान में ही थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड मशीन गन की मदद से, और वो AI की मदद से ठा 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 इस तरह से गोली चली, और ये फखरीजादे साहब ईरान में जो थे, ये देखिए आप 1000 माइल दूर था इसराइल, और वहां से AI की मदद से ठा 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 ठा, ये एक नया तरह का वॉरफेयर स्टार्ट हुआ इससे। और ये है दोस्तों जब मशीनों का डोमिनेंस बढ़ेगा दुनिया में, एक निसान की पिकअप ट्रक थी उसमें एक गन इंस्टॉल थी और वहां से AI की मदद से गोली चलाई गई, उसके बाद बुलेट्स फायर हुए। आप इसका प्रिसिशन सोचिए, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ और इन साहब को बहुत सारी गोलियां लगी, मुझे पता नहीं याद नहीं कितनी गोलियां लगी, और इनकी इमीडिएट डेथ हो जाती है। तो ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, और फिर से वापस से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है फिर से पीछे चला गया। अगर आपको लगता है ठीक है सर वन ऑफ द घटना थी, दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद आपने इन साहब का नाम सुना नहीं है क्या, किन का नाम सर, एक और व्यक्ति के पास आते हैं और इन साहब का नाम है कासिम सुलेमानी, अगर आपने सुना होगा इनका नाम, तो कासिम सुलेमानी साहब का नाम वंस अगेन पूरे मिडिल ईस्ट में इनका नाम बहुत था, आपने कासिम सुलेमानी इनका भी नाम सुना होगा। कासिम सुलेमानी कौन है, ईरान में दोस्तों आपने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोस्ट इसका नाम सुना होगा, पीछे वन सेकंड विकिपीडिया के आर्टिकल, हाँ ये गार्ड कॉर्प्स सॉरी, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नाम आपने सुना होगा। तो कासिम सुलेमानी इसके हेड थे, ईरान में IRGC की बहुत रिस्पेक्ट है ईरान में, ठीक है भाई, IRGC बोलते हैं शॉर्ट में इसकी, ईरान में बहुत रिस्पेक्ट है, इसके हेड थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अगर आप जानते होंगे तो 3rd January 2020 में US ने अपना ड्रोन भेजा, एक बहुत ही फेमस ड्रोन अगर आपने देखा होगा तो, इस ड्रोन का नाम है MQ-9 रिपर ड्रोन, और इस ड्रोन की मदद से मिसाइल अटैक करवाया अमेरिका ने, और यहां से इस गाड़ी की हालत ये हो गई। लोगों ने ये कासिम सुलेमानी की जो हत्या थी, मतलब असैसिनेशन हत्या जो भी बोल दीजिए आप, ये जो था ये इतना बड़ा इवेंट था कि अगर आपको पता हो तो ईरान में अगले 3 दिन तक के मॉर्निंग मतलब दुख व्यक्त किया गया, और बकायदा लोगों ने बोला कि ये तो अमेरिका का एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों उस वक्त पे जो कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, यकीन मानिए उस टाइम पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति के बारे में लोग बात करना शुरू किए थे। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर US का ड्रोन, US ने मार दिया कासिम सुलेमानी को ईरान के IRGC के, तो आप इसमें मोसाद वाले टॉपिक में क्यों बता रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। काफी वक्त के बाद दोस्तों इन साहब का नाम है तमीर हेमन जो भी बोलेंगे इनको, TMIRHAYMAN तमीर हेमन साहब जो है, इन साहब ने कंफर्म किया, और तमीर हेमन साहब वो व्यक्ति दोस्तों जो इसराइल की मिलिट्री के व्यक्ति हैं, जो कि बाद में डायरेक्टर की पोस्ट रिटायर हुए 2021 में, इन साहब ने कंफर्म किया जो मैं आपको बताया था ना इसराइल में AMEN उसके उसमें डायरेक्टर थे इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस AMEN में, इन साहब ने कंफर्म किया कि जो इनपुट है, जो इंटेलिजेंस का इनपुट है वो हम लोगों ने दिया था।
इस बात को उन्होंने कंफर्म किया। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि कहीं ना कहीं इसराइल, यूएस और दुनिया के बहुत सारे देशों को ये लगता भी है कि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया उस दिन हिज़्बुल्लाह, हमास और हो सकता है कुछ होती रिबल्स के पास भी ऑटोमेटिकली आपको न्यूक्लियर हथियार देखने को मिले। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वन ऑफ द केस होगा, पीछे जिन साहब की तस्वीर देख रहे हैं, इन साहब का नाम है बशर अल असाद, मिस्टर बशर अल असाद ये रहे जो कि अभी सीरिया के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसी तरह से एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ऑर्किड, राइट, ऑर्किड क्या बोलेंगे, ORCHARD, ऑर्किड ही तो बोलेंगे ना। तो ये रहे मिस्टर बशर अल असाद जो कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक समय ऐसा आया था, ये 2000 के बाद का टाइम बोल रहा हूं, जब सीरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बातचीत हो रही थी, जब ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग हेल्प करते हैं ना आपको न्यूक्लियर हथियार बनाने में। जैसे इसकी इस घटना की पता जैसे इस घटना के बारे में पता चलता है इसराइल को, इसराइल तुरंत एक्टिव हो जाता है दोस्तों, 2007 में जाके उन लोकेशंस को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और ये जो बात हो रही थी ना, जो इसराइल जो सीरिया प्लान कर रहा था न्यूक्लियर हथियार बनाने का, 2007 में जाता है और उसको उस वक्त पे इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो दोस्तों मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था, ये देखिए पीछे आपको मैंने तस्वीर रखा हुआ है। और दोस्तों इसी तरह से ना एक इसराइल के बहुत बड़े जासूस हुए, उन साहब का नाम था एली कोहेन, आपने देखा भी होगा, इनकी डॉक्यूमेंट्री बने नेटफ्लिक्स या किसी में एक जगह तो है भी, जरूर से देखिएगा, मैं रेकमेंड करूंगा उसको, देखिएगा आपको आपको अंदाजा होगा। एली कोहेन साहब बहुत ज्यादा बड़े जासूस के रूप में जाने जाते हैं इसराइल के, जो पहले शुरुआती दिनों में तो काफी बार रिजेक्ट हुए थे। पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, आप देखना उस कहानी को, मेरे हिसाब से काफी अच्छी कहानी होगी क्योंकि इनके इनकी इनकी लाइफ बहुत ही एडवेंचरस रही है। एक ज़माने में इनको सीरिया के सॉरी इसराइल की तरफ कोर्स सीरिया में डिप्लॉय किया गया था। ये वो टाइम था जब गोलन हाइट्स सीरिया के पास था, और आज के टाइम पे गोलन हाइट किसके पास दोस्तों, इसराइल के पास है, राइट। और इधर से गोलन हाइट, इधर से आपका क्या वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक इधर गाजा स्ट्रिप, राइट, सिनाई पेनिनसुला, बाद में तो वापस कर दिया इजिप्ट को, सिनाई पेनिनसुला आपको बताया था ना, अरब इजरायली वॉर के टाइम पे चारों एरिया कब्जा आया था, चारों के चारों टेरिटरी कब्जा आया था इसराइल ने। फिर तो एली कोहेन को डिप्लॉय किया था इसराइल ने सीरिया में, और आप यकीन करेंगे सीरिया में ये आगे बढ़ते 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 एक टाइम पे बात ही होने लगी थी इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए। यार आप सोच के देखो, एक टाइम पे तो ये बात होने लग गई थी कि ये व्यक्ति डिजर्व करते हैं इसराइल का राष्ट्रपति बनना, इसराइल के तो सॉरी सीरिया का राष्ट्रपति बनना। एक जासूस जिनको वहां पे डिप्लॉय किया गया था, इनका वहां पे नाम था केमिल, KAMEL, केमिल अमीन थैबत, THAABET, थैबत या थैबत जो भी बोलेंगे, तो केमिल, इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक अंडरकवर ऑफिसर की कहानी, देखिएगा बाद में। ऑफकोर्स हालांकि सीरिया को पता चल जाता है, फिर इनको बहुत बुरी मौत देते हैं। आज तक कभी भी सीरिया ने इनकी बॉडी जो है इसराइल को वापस नहीं की, इनकी धर्मपत्नी जो आज तक रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उनकी सिर्फ घड़ी उनको मिल पाई है, इन साहब की सिर्फ घड़ी मिली। बाद में नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में इन साहब को बहुत तड़पा तड़पा के मारा गया था। लेकिन जो भी है, आज अगर आप किसी ज्यूइश आदमी के सामने, किसी इजरायली आदमी के सामने एली कोहेन का नाम बोलेंगे तो उनको बहुत प्राउड होता है एली कोहेन साहब पे कि यार ये व्यक्ति थे, और इनका इम्पैक्ट अरब इजरायली वॉर में बहुत मैसिव रहा, राइट। आज भी अब इनकी बॉडी तो खैर भाई, मतलब सीरिया ने आज तक कभी दिया नहीं है, राइट। दोस्तों तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ही काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। देखिए मैं ये आपको क्यों आइडिया लगाने की बात किया, मैं इसलिए बात किया दोस्तों, ठीक है मैं मान गया कि चलो यूएस अपने 2000 शायद नॉन कॉम्पिटेंट ट्रुप्स को भेजे, मेडिकल सपोर्ट क्या बोलते हैं वो मिलिट्री एडवाइज़र को भेजे, इसराइल में डिप्लॉय कर दूंगा बोला, चलो मैं वो भी समझ गया, वो गाजा पट्टी के आसपास समझ गया उस कहानी के हिस्से को। अभी बात ये हुई कि देखो गाजा पट्टी वाले रीजन में इन्होंने मिस फायर हुआ, चाहे वो इसराइल से मिस फायर हुआ, चाहे ये हमास से मिस फायर हुआ, लेकिन कई सौ लोग, कई सौ नॉर्मल समाज के लोग उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, राइट। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं हुई ना इस बीच में 7 तारीख को, और मैं आपको फिर से बोलता हूँ दोस्तों, इट इज वन ऑफ द डिसेप्शन ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर, ये ना डिसेप्शन ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर है, और ये आज नहीं बहुत वक्त से होता आ रहा है कि अगर आपको एक तरफ से अटैक करना है ना दूसरी तरफ से इंगेज करके रखो, राइट। अभी जिस तरह से दुनिया यूएस में 9/11 था, इंडिया में 26/11 था, 7/10 वही है, क्या इसका मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि पैलेस्टीन में जो पहले हुआ वो गलत नहीं, बिल्कुल गलत है,
वो फिलिस्तीन के लोगों की जमीन थी, लेकिन ये बात बोल के सात, अभी जो 7-10 को जो हुआ है, 7-10 को जो है, इसको कहीं से भी निगेट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन तो फिलिस्तीन की जमीन है, लेकिन उसके बावजूद ये इस बात को निगेट नहीं किया जा सकता कि जो एक्सट्रीम टेररिज्म 7-10 को हुआ है, पूरी दुनिया उस चीज को देख रही है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसमें ना इस पूरी घटना के बीच में आप Excuse me guys, my bad, थोड़ी ठंड है यार यहाँ पे एक्चुअली, जब आपकी क्लास ले रहा तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं ना, 4:30 बज रहे सॉरी। तो दोस्तों कहीं से भी निगेट नहीं किया जा सकता इस बात का, राइट। मैं आपको एक और बात ये भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इन सभी चीजों के बीच में जो लोग हैं ना, मतलब लोग की लोग आम आदमी सब चीजों के बीच में पिस जाता ना, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जब ये इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है तो इतना बड़ा फेलियर हुआ कैसे, ये ना सोचने की लायक बात है। जब आप मुझे ये बताइए, जब इतने सारे इनपुट शेयर किया आपने CIA को शेयर किया, तो ये इतनी बड़ी घटना हो रही है, इसको CIA ने शेयर नहीं किया, फाइव आईज ने कभी पता नहीं चला फाइव आईज को दुनिया में कि इतनी बड़ी घटना इसराइल में होने वाली 7 तारीख को, खुद IDF को, इसराइली डिफेंस फोर्स को पता नहीं चला, खुद मोसाद को पता नहीं चला इतनी बड़ी घटना होने वाली है। बिल्कुल ये बात सही है, इट इज वन ऑफ द डिसेप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और यूजुअली जब बैक ट्रैक किया जाता है तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में फर्क होता है, मैं आपको हर बार बोला हूँ, इंफॉर्मेशन को जब आप कनेक्ट करते हैं तब बनती है इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन तो मोर ऑफन देन नॉट हमेशा रहती ही है, एक पूरा का पूरा एक मतलब एक थिएट्रिकल ड्रामा क्रिएट करना कि जो भी होना है वो वेस्ट बैंक की तरफ से होना है, अपने हथियार पकड़वाना, ये सब करना ताकि इसराइल अपनी फौज को डिप्लॉय करे इस तरफ, और उसके बाद अटैक यहां से हो, गाजा पट्टी से हो। दिस इज व्हाट द डिसेप्शन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज, राइट। तो खैर जो भी है, ये जो हुआ वो तो अब क्या ही कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ 2-state solution हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज द ओनली अटैक और इसके बाद शायद नहीं होगा, इसके बाद 2-state solution होगा, हमास कहीं ना कहीं 2-state solution में मान जाएगा, हमास मान जाएगा तो कोई और ग्रुप आ जाएगा, मैं आपको जनरली बताता हूँ विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन ये सच्चाई है, राइट। हमास मान जाएगा तो कोई और ग्रुप आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अभी अप एंड रनिंग है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका सिंपल सा फंडा ये है कि हटो यहां से। ये अब देखिए दोस्तों, IDF, मोसाद, CIA, फाइव आईज, इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है आयरन डोम की। अरे कैसे फेल हो गया आयरन डोम यार, ये तो मैं आपको योम किपुर वॉर उस दिन पढ़ाया था, वो ये आयरन डोम कैसे फेल हो सकता है, क्योंकि आयरन डोम का फेल होना बड़ी बात नहीं, 90% से ऊपर ये वो है आयरन डोम जिसके लिए वो यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या नाम है, ज़ेलेंस्की, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे बाइडेन को कि प्लीज US इसराइल का आयरन डोम दिलवा दो ना, 90% से ऊपर से इसका एक्यूरेसी है। तो ये ऑलरेडी हमास के पास इंफॉर्मेशन थी कि आयरन डोम कितनी मिसाइल मारने पे ओवरवेल्म हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, इसलिए ना ये 7-10 का सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं है, इट इज द अटैक ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, इट इज, मतलब मैंने आपको पहले भी शेयर किया दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आप इधर से बम मार रहे हो, तीनों तरफ से हमला कर रहे हो, जमीन से आसमान सब तरफ से हमला कर रहे हो, और उसके बाद लाइव में उसी वक्त आप लोगों को उठा के डिप्लॉय करके लेके जा रहे हो और उसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो शूटिंग हो रहा है। ये एक अलग तरह का वॉरफेयर है, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉरफेयर है। देखते हैं दोस्तों इसका क्या होता आगे, बट मैं सोचा आपके साथ मुसाद का डिस्कस करते हैं। मुझे बताइएगा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन हैं आप देखिएगा, और इन ऑपरेशन का ही मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता था ताकि आपको फील हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था सेशन हमारा आज का, जो इसराइल मुसाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप सजेस्ट करना चाहें बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। मैं वैसे आपके लिए सोचा था कि CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या 5i और इसके अलावा RNAW जो रॉ है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो, अगर आप चाहें तो कंपैरेटिव एनालिसिस या एक टॉपिक पर डिस्कशन या ISI के साथ डिस्कशन, जैसा भी चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा इसराइल के ऊपर अगर आप टॉपिक देखना चाहें तो ये है, ये जनरल एप्टीट्यूड का सेशन जो मैंने लिया था दोस्तों ऐप में आप जाएंगे तो मैं ना बहुत यहाँ पे आप मेरे को मैं मिल जाऊँगा आपको, आप ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे सेशंस मैं लेता हूँ जो फ्रीली अवेलेबल हैं। एक बैच तो मेरा जस्ट अभी ये चल रहा है बैच, और एक बैच ये जस्ट अभी शुरू, अच्छा कल से परसों से शुरू हो रहा है बैच, देख सकते हैं। आपको ज्वाइन करने का मन हो मस्त तरीके से कोड यूज कीजिएगा, सुपर तरीके से फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है, मिस मत कीजिएगा इसे, राइट। ये इंडिया के आपको एक से खूंखार खतरनाक टीचर्स मिल जाएंगे, ये एक से एक बेनिफिट्स है जो आप अवेल कर सकते हैं,
बहुत सारे बैचेस है दोस्तों, सिविल के लिए, सीएस के लिए, आईटी के लिए, जरूर देखिएगा और सारे के सारे टीचर्स का फीडबैक जरूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल ऑफर जो चल रहे हैं प्लस और आइकॉनिक, इनको देखिए और एक कोड यूज कर सकते हैं आप ST26, ठीक है जी। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, बाकी आपकी मर्जी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देते जाइए, पढ़ाई बढ़िया होती जाएगी और फिर हफ्ते 10 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, दोनों की दोनों चीजें जरूर से करते आएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। चलो जी, तो ये सारे के सारे बैचेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसको आप बढ़िया से बेनिफिट अवेल कीजिएगा सारे के सारे बैचेस का। प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जिनका अभी गेट होगा वो ये देख सकते हैं, जो अगले एक साल दो साल में देना चाहते हैं वो ये देख सकते हैं, राइट। एज आई सेड ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपके सुझाव हैं, फील फ्री टू शेयर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मस्त तरीके से, और इसके बाद की चीज़ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।